आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम गुलाब सिंह है और टेक्निकल एजुकेशन में मैं इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूं दिल्ली में। आप सरकारी कर्मचारियों के एक बहुत बड़े जो समाज के लिए काम करता है, सामाजिक काम करता है, जिसको बामसेफ के लिए जानते हैं, आपने लगभग साहब कासीराम के समय से वो ज्वाइन किया है, क्या अंतर पाते हैं तब में और अब में? तब में और ये अब में ये अंतर है कि कासीराम साहब जो काम करते थे वो जमीनी स्तर पर काम करते थे और जो वो कहते थे वो अपने ऊपर लागू करते थे, लेकिन जो आज हम देख रहे हैं हमारे नेताओं को, वो समाज को कुछ और कहते हैं और खुद अपने ऊपर लागू नहीं करते, इसीलिए ये समाज की थोड़ी हम पीछे जा रहे हैं। आपके साथ जो ये 250-250 लोग जो जुड़े हुए हैं, जिनकी आपने एक टीम बनाई हुई है और जिस टीम के आप हिस्से हो, जो ये टीम कह रही है कि अगर विचार एक है और अगर काम एक है और तो उद्देश्य एक है तो संगठन एक होना चाहिए, इसके लिए जो आप काम कर रहे हो, ये काम की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जब मैं स्टूडेंट था, 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो कांशीराम साहब अपना मूवमेंट चला रहे थे और वो हमारे गांव में आते थे, मैं सुनता था, हालांकि मैं उस टाइम दिल्ली में रहता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। ज़्यादा मिशन की मुझे जरूरत पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि साहब कासीराम ने कभी भी बुद्ध का नाम नहीं लिया मगर सारे काम वही किए जो बुद्ध करते थे, जैसे घर छोड़ना है, लोगों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ज्ञान को आगे बढ़ाना है, और वो बिना बुद्ध का नाम लिए बुद्ध की सारी बातें पढ़ा के चले गए? साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं की थी जिनको हम भीष्म प्रतिज्ञा कह सकते हैं। वो अपने घर नहीं गए, अपने परिवार उन्होंने नहीं बसाया, उन्होंने अपने नाम कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं की, वो किसी फंक्शन में, अपने पारिवारिक फंक्शन में अटेंड नहीं किया और उन्होंने समाज के लिए काम किया, तो ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन हम देख रहे हैं आज हमारे नेता उस काम को कह जरूर रहे हैं कि ये जो 5 प्रतिज्ञा है यही तो बुद्ध की प्रतिज्ञा है। हाँ, फिर क्या सारे काम कासीराम जी ने वही किए जो भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन भर किए, लोगों को घुमा घुमा के पढ़ाना? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कासीराम साहब पूरे देश में घूमे थे और उनका साइकिल चलाने का, साइकिल पर यात्रा करने का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के पास साइकिल नहीं थी, अगर साइकिल होती तो वो भी साइकिल पे घूमते ताकि ज्यादा एरिया कवर होता, और आज लोगों के पास मोटरसाइकिल है मगर फिर भी नहीं घूम पा रहे। हाँ, ये है कि अपने जो साधन संसाधन जो जिस आंदोलन की वजह से हमको मिले हैं, हम उनका उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं करें जिस हिसाब से हमें करना चाहिए था। तो आपको लगता है कि जितनी सारी बामसेफ अलग अलग हुई पड़ी हैं, आप उनको एक कर पाएंगे? प्रयासरत हैं। अगर नहीं हुई तो? प्रयास चलता रहेगा। अगर नहीं हुई तो आप उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनको पैसा देते रहेंगे? सपोर्ट कहीं ना कहीं, देखिए बामसेफ जो है बहुत बड़ा संगठन है और बामसेफ संगठन को काम क्यों करना चाहिए? आप ये बताइए कि अगर आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता और आप पैसा भी दे रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और ये सब अपने अपने एक पर्सनल उद्देश्य के लिए अलग अलग संगठन बना के हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनको कहें कि आप एक उद्देश्य और एक विचार के लिए एक हो जाएं, वरना हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन बामसेफ संगठन जो है उसका एक बड़ा, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको कितना बड़ा संगठन है बामसेफ यूज कर, नेशनल लेवल पर संगठन है, इंटरनेशनल पर। 2 अप्रैल को बामसेफ कहीं दिखाई दिया आपने, पब्लिक खुद आई? देखिए, बामसेफ की विचारधारा के अनुसार ही लोग आए हैं। बामसेफ को देखोगे, बामसेफ के लोगों ने, बामसेफ की कॉल थी, हमने पूरा प्रयास किया और हम बामसेफ का नाम ना लेकर हमने काम किया है और बामसेफ अगर बामसेफ काम कर दिया, अपना नाम लेने में क्या दिक्कत है? बामसेफ की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, वो स्ट्रेटजी क्या शासन दे पाई, शासन देना, क्या आरक्षण बचा पाई, बहुत बड़ा अभी ये प्रश्न है, क्या आरक्षण बचा पाई, एक किसी, क्या संविधान बचा पाई किसी एक संघ, क्या लोगों को सेंट्रलाइज कर पाई, क्या एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेशन बना पाई? सुधीर जी, देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अपनी सत्ता आना, अपना धर्म होना, ये लोगों पर डिपेंड करता है। बामसेफ क्या बड़े उद्देश्य के लिए काम नहीं करती, बड़े प्रश्न के लिए? उद्देश्य उसका बड़ा है। कितने साल हो गए? अभी वो अचीव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? साधन संसाधनों की कमी है, जो हमारा टारगेट है। जितने साधन मांगे और जितने संसाधन दिए सभी सरकारी कर्मचारियों ने दिए और दे भी रहे, और आप जैसे लोग दिन रात उसके लिए काम भी कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सेंट्रलाइज ऐसी रणनीति है जिससे वो सारे संगठनों को इकट्ठा करके एक कर सकें, जबकि एक उद्देश्य, एक बाबा साहब, एक बुद्ध और एक ही रणनीति है और एक ही उद्देश्य है?
देखिए अभी जो है हम काम कर रहे हैं, बाबा साहब काम करते रहेंगे, बताते रहेंगे जब तक हम हैं, जब तक हम इस बात को बताते रहेंगे, हमारा उद्देश्य है। गिलासी, धन्यवाद।